another one very important thing. Look, this is a stupa. Yeah? Uh-huh. But there is two religions cards. Up there is Buddha, down there is Vishnu. Vishnu? Vishnu. Okay. So Buddha is a seventh incarnation of Vishnu gods. So do you guys believe it? Yeah. That he did. Okay. आज है ना ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि कल रात को जब हमने लुम्बिनी से काठमांडू के लिए ट्रेवल किया ना तो रात को एकदम से टेम्परेचर इतना चेंज हुआ कि मुझे लगता है मुझे ठंड लग गई है। रात को है ना मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी और आपको पता है ये 4 किलोमीटर जाके दवाई लेके आया मेरे लिए और अब इसकी बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्ट मतलब अंदाजा नहीं था अपन को इस चीज का, इतनी ठंड होगी इसका अंदाजा नहीं था, नहीं तो बजट बैकपैकिंग ना करते। तो इस इमरजेंसी कंडीशन के लिए ना हमने पता है क्या रख रखा था। तो तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक फील हो रही है तो फिर हम जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना वो बहुत शानदार होने वाला है, देख रहे हैं ना कुछ ऐसा भी दिखेगा। और इस बार हम बिल्कुल भी पैदल नहीं चलने वाले क्योंकि थोड़ी सी समस्या हो गई थी। दिल बहादुर, पहले सनी लेट होता था, आज आशीष लेट हो रहा है। अरे यार वो लगेट ही लॉक हो रहा था। अच्छा, मुझे लगता है कंफर्टेबल होगा, लास्ट 2 दिन से तो मजाक ही कर लिया था। वही ध्यान रखना, ज़्यादा बजट पैकिंग मत करना, मतलब अगर आपको आदत नहीं है ये तो कर सकता है। मेरी तो रात को इतनी हालत नहीं थी कि मैं खुद जाके दवाई ला के खा पाता। यार बुद्धिस्ट हो गया जी? हाँ। यार बुद्धिस्ट लोग कम है क्या? हम इंडियन बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा। अभी जितने लोगों से मिले वो बोलते हैं कि बुद्धिस्ट नहीं है यहाँ पर। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो बुद्धिस्ट एरिया है ना? जी हाँ, बस वही कंफर्म करना होता है और फिर पहुँच जाते। आज थोड़ा सा फील हो रहा है कि हम नेपाल आए। आ जाओ, अंदर ही बैठे रहोगे क्या? अरे पेमेंट कर रहा था। तो ये एक्चुअल वो लोकेशन है जहाँ पर हम लोग आए हैं। वहाँ पर वो टिकट लेना पड़ेगा। यही है विदेशी फॉरनर वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, जब जो फॉरनर आते थे हमारा 10 रुपये टिकट, फॉरनर का 1000 रुपये। ताजमहल पे देखा नहीं, 400 रुपये उनके लिए, 40 रुपये अपने लिए। हाँ 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये, हाँ उनके लिए 1000 रुपये। क्या हो गया? बंदर है यहाँ पर तो डर लग रहा है क्या? डरता मैं बंदर से नहीं हूँ, किसी नहीं डरता मैं। तो देखा था हमने लुम्बिनी में। अरे वो आपको कवर दे रहा था मैं। आओ जाओ 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 मोबाइल ही ना छुड़ा ले वो। इससे क्या कोई मन्नत पूरी होती है? बोलता है हमको तो नहीं देखा है। ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है ये। जाते जाते बच गया, कैसा लगा आपको? मैंने मन्नत नहीं मांगी, मैं तो जस्ट गेम खेल रहा था। हर जगह मिल जाएंगे वेट नापने वाले। नापोगे वेट कितना कम हुआ? हला के अरे नहीं नहीं यहाँ की है ना क्या स्टोरी है समझ नहीं आ रहा ना मुझे, मतलब थोड़ा अटपटा सा है ना कुछ, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, जो हम सोचते हैं वो वैसा नहीं है। हिंदुइज्म बुद्धिज्म मिक्स्ड है यहाँ पे। हम जिस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना तो वहाँ से हमें कुछ कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, समझ आ रहा है कि बहुत कुछ डिफरेंट है। नेपाल के लोग जो है बुद्धिज़्म को एज अ टूरिज्म लेते हैं, जैसे कमाई का जरिया है। यहाँ देखिए कितने सारे स्तूप हैं, वो देखो बुद्धा, हर जगह बुद्धा है, हर जगह बुद्धा है, लेकिन जितने भी स्तूप होते हैं ना इन्हें पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। हमारे भारत में जितने भी स्तूप हैं ना ये सारे के सारे पहाड़ों पर हैं, जहाँ पानी अवेलेबल हो और जहाँ से कई किलोमीटर दूर से स्तूप नजर आए। और वहीं यहाँ के स्तूप टूरिज्म के लिए काम आ रहे हैं, पहाड़ी पे अगर इतना अच्छा कुछ बना हुआ है, हमारे भी स्तूपास को अच्छे से डेवलप करे गवर्नमेंट तो वो भी टूरिज्म के पर्पस के लिए काम आ सकते हैं काफी अच्छे से। बिल्कुल, लेकिन प्रमोट नहीं करते यार, कहाँ करते हैं। हमने जितने भी स्तूप दिखाए आज तक सब बंजर हो गए।
ये नई स्ट्रेटेजी लगती है ना, क्योंकि देखो अगर बुद्धिस्ट वैसे कम है नेपाल में खासकर, बाहर से भी बुद्धिज्म वाले कतरे ही आते होंगे, बहुत कम। तो ये स्ट्रेटेजी लगती है टूरिज्म की। वो बोलता है ये इंद्र का वज्र है, ये रखा हुआ जो वज्र और यहाँ पर स्तूपा है, ये बुद्धा है। ऊपर देखेंगे ना आप तो ये बुद्धा है, हर जगह बुद्धा है, हर जगह, हर जगह। बुद्धिस्ट एरिया है यार ये, 100% बुद्धिस्ट एरिया है। कौन वैसे बोल सकता है कि ये बुद्धिस्ट एरिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि हमें किसी लोकल व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो हिंदी बोल सके। इन दिस यू कैन सी द वाइट हाउस ओवर देयर, वेयर फ्रॉम हियर यू सी द टॉप ऑफ दिस टंगा। हां यस, वाइट हाउस, वाइट हाउस है एग्जैक्टली सर। या दैट इज आल्सो वन थिंग फ्रॉम देयर, वन लाइक लाइक देवी, लाइक देवी जो योगिनी फॉर योगिनी। हां she threw the seeds of lotus. Okay, she threw the seeds of lotus from there to in here, in this pond, in this, okay, in this pond, yeah. And when in that lake, like the lotus is grow up, okay, while lotus flowers is opening, the shadow of this temple, and then after people make the same temples over here, that's why it's called Swayambhu itself. Okay, it's generated itself. Another one very important thing is, look, this is a stupa. Yeah. But there is two religions gods. Up there is Buddha, down there is Vishnu. Vishnu. Okay. So Buddha is a seventh incarnation of Vishnu gods. So do you guys believe it? Yeah. That he did. Okay. So Buddha, like Buddhist is different, Hindu is different. Mm. It's religion is different, but there is some incarnation of Buddha. Seventh incarnation of Vishnu. Okay. So there is no difference. It's very good combination of Buddhism and Hinduism. Mm. अच्छा, अब समझ आई मुझे आई की कहानी। इन लोगों ने लगता है बाबा साहब अली बुद्धा ने धम्मा को टोटली मतलब, अरे बाबा साहब जो है वो यहाँ फेमस नहीं है ना, तो जो ये लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी को यकीन करेंगे। ये कौन से रिसर्च करते होंगे चीज़ों के ऊपर, और यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म के साथ हिंदुज़्म जो जोड़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि समय आएगा, जैसे अपन आए हैं ऐसे कुछ हजार लोग और आएंगे, कुछ सौ साल और लग जाएंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी। बिल्कुल क्लियर होंगी, क्योंकि वैसे यहाँ पर भैया जो स्तूपा है ना उसमें विष्णु और बुद्ध दोनों है। तो ये पुराने जमाने का हुआ ना, तो उसी टाइम ये सब बनाया गया होगा। चार करता है भाई सब, तो अभी तक तो अपने लोग भी इंडिया में यही मानते थे ना कि विष्णु के नवे अवतार, विकिपीडिया में लिखा था सेवन। ये बता रहा था कि यहाँ पर भी दलित होते थे, बट एक्चुअली उनको दलित नाम नहीं दिया गया है, बट वो लोग भी छोटा काम करते हैं, लाइक फैब्रिक बनाना, क्लोथ बनाना और शूज़ बनाना। तो उसने बताया कि उसके ग्रैंडमा उसे बता रही थी कि पहले हम लोग उन्हें मंदिर में जाने नहीं देते थे। और यहाँ की क्या कहानी बताई थी? कहानी उसने ये बताई थी कि वो जो ऊपर आपको वाइट टेम्पल दिख रहा है, वो वाइट टेम्पल वहाँ से एक माता थी देवी, वहाँ से उन्होंने एक बीज फेंका था लोटस का, और वो लोटस का बीज यहाँ पर पॉन्ड, ये पहले पॉन्ड था, ये टेम्पल जो आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट, ये पॉन्ड था, और यहाँ पॉन्ड में आकर वो कमल का फूल गिरा, और उस कमल के फूल से यहाँ पर जब वो निकला तब उसमें बुद्धा की फोटो थी। मतलब पूरा टोटल मिला के सुपरस्टिशियस। हाँ, और सुपरस्टिशियस कहानी जो कहानी है वो कोई मतलब की नहीं। वो ये भी बोल रहा था कि यहाँ पर जो माता का मंदिर है वहाँ पे बच्चों को लाकर आप तबीयत सही कर सकते हैं उनकी, चाहे उनका, मतलब वो भी सुपरस्टिशियस, मतलब टोटल मिलाकर कुछ नहीं था, जीरो है। हाँ, जीरो। अभी हम परमिशन लेने जा रहे हैं, ये नहीं है, ये तो टिकट काउंटर है, वो है शायद ऑफिस। देखिए क्या शानदार नज़ारा है, और अगर आपको ड्रोन उड़ाना है ना तो आप इस कैफ़े पे आ सकते हैं, और यहाँ क्योंकि जो जहाँ से भी आप ड्रोन उड़ाते हैं ना उस प्रमाइसेस की आपको परमिशन लेनी होती है। बेहतरीन व्यू, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। शॉट लेने के लिए हमने यहाँ पर कॉफ़ी पी।
पे रिसर्च करना चाहूँगा किस पे कि क्या चक्कर है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म तो, जो यहाँ पर स्तूपा थे काफ़ी पुराने थे वो तो क्या उस समय इम्प्लांट किया गया या सच में बुद्धा जो है वो हिंदुज़्म का ही रूप है ऐसे बोला जाता है। मैं रिसर्च करना चाहूँगा मैं ऐसे अपने कि सारी रिसर्च और हमारा काम आसान बाबा साहब के बुद्धा एंड इस धम्मा ने कर दिया है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात बोली क्योंकि उन्होंने भी बहुत रिसर्च की होगी लेकिन फिर भी वीडियो के रूप में प्रूफ तो होना चाहिए। मुझे लगता है हमें श्रीलंका जाना चाहिए श्रीलंका विजिट। तो चलते हैं देर किस बात की पूरा साउथ ईस्ट एशिया एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टूर होगा वो साउथ ईस्ट एशिया का हो सकता है और यहाँ से गाड़ी आ रही ठोक देगी। चलो भाई टाइम लैप्स बन रहा था तो एकदम से बंदर आया क्यों बातों में लग गए थे हम तो बच गए तो लेकर चला था स्टिक सब लेकर चला था आईफोन भी चला था लग तो ऐसे ही रहा था 80,000 पानी में बंदर आ गए बंदरों का राजा बंदरों का राजा नहीं यहाँ बंदरों को कंट्रोल करने वाला हमारे साथ है डरने की कोई बात नहीं है जाओ दौड़ लगाओ जाओ ना चलते रहो अरे जाओ ना अरे उधर चलते हैं ना अरे चलो ना बीच से चलना है अपन को बंदरों का राजा बंदरों खतरों का खिलाड़ी आशीष खतरों का खिलाड़ी यार आशीष खतरों का खिलाड़ी कहाँ है वो आ गया पूरी मर गया बंदर किधर है बचा लिया आपको तो मतलब कि इंडिया में ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ पे फिर भी काम मिल जाता है मतलब ये पहली बार देखा है मैंने कि नेपाल से लोग इंडिया आते हैं काम के लिए और यहाँ पर इंडिया से नेपाल आए हो आप कितने साल हो गए लगभग 5 वर्ष हो गए 5 साल हो गए 5 साल से आप यहाँ बेच रहे बुद्धा की फ़ोटो लगी हुई है बट यहाँ पर है ना पूरा नॉनवेज सेल हो रहा है मतलब आप यहाँ भी देख लो वहाँ आगे भी देख लो कुछ अलग ही यहाँ का कस्टम जो है ना कुछ अलग ही है।